अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसमें पाए जाने वाले जीव इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। अमेजॉन जंगल में अनेकों प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ जीव तो इतने दुर्लभ हैं जिनको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। जहां पिछले वीडियो में मैंने आपको अमेजॉन जंगल में पाई जाने वाली कैसा पोना रिवर को दिखाया था, जिसका पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है, और मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे भी पेड़ अमेजॉन जंगल में पाए जाते हैं जो चलते भी हैं। तो वही इस वीडियो में हम आपको अमेजॉन जंगल में पाए जाने वाले 10 सबसे रहस्यमय जीवों से रूबरू कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे विचित्र जानवरों से मिलाऊंगा जो शिकारी जानवर से खुद को बचाने के लिए उस पर कांटों से वार करता है, और आपको एंटीटर जैसे अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर के साथ साथ एक ऐसे विचित्र जानवर से मिलाऊंगा जो खतरा महसूस होते ही खुद को एक बॉल में बदल लेता है, और साथ ही आपको एक ऐसे बंदर से मिलाऊंगा जो उंगली के आकार के बराबर होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पार्क्यूपाइन। आप जो इस कांटेदार जीव को देख रहे हैं, आपको बता दें इसे पार्क्यूपाइन या शाही के नाम से भी जाना जाता है। पार्क्यूपाइन के शरीर पर तीर के समान कांटेदार बाल होते हैं। यह अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर में उगे हुए कांटेदार तीरों को दुश्मन की तरफ फेंकता है। शाही अमेरिका, अमेजॉन के जंगल, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका में अधिक मात्रा में दिखाई देती है। कैपिबारा और बीवर के बाद ये तीसरे सबसे खतरनाक प्राणी हैं। अधिकांश शाही आकार में लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती हैं और इनकी पूंछ 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर इनके वजन की बात की जाए तो 5 से 16 ग्राम तक होता है। इनका रंग अलग अलग होता है, जैसे भूरा, ग्रे, सफेद। पार्क्यूपाइन के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि पार्क्यूपाइन रात को अकेले रहने की आदत रखते हैं। वे अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अपने आप को छिपाने के लिए अंधेरे और घने जंगलों में जा सकते हैं। इसके अलावा पार्क्यूपाइन बहुत अच्छे से किसी भी तल पर चढ़ाई कर सकते हैं। उनके पैरों पर चुस्त चिपकाव वाले कांटे होते हैं जो उन्हें पेड़ और चट्टानों पर चढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 9, साउथर्न तमांडुआ। दक्षिणी तमांडुआ चींटीखोर के तमांडुआ वंश की एक मध्यम आकार की जाति है। यह चींटीखोर से पूंछ तक लगभग 1.2 मीटर लंबा होता है। यह चींटी दीमक और मक्खी जैसे कीट खाता है और आमतौर पर रात में सक्रिय रहता है, हालांकि कभी कभी दिन में भी देखा जा सकता है। इसे कम चींटीखोर या काला चींटीखोर भी कहा जाता है। यह अकेले रहने वाले जानवर हैं। तमांडुआ चींटियों और दीमकों को खाते हैं। कभी कभी शहद, मधुमक्खियां और फल खाने के लिए भी जाना जाता है। उनके लंबे चिपचिपी कांटेदार जीव चींटियों और दीमकों के घरों में घुसकर उन्हें चट कर सकते हैं। दक्षिणी तमांडुआ पूरे दक्षिणी अमेरिका, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील और पराग्वे में पाए जाते हैं। जमीन और पेड़ों पर दोनों पर रहने वाला दक्षिणी तमांडुआ समुद्र तल से 6500 फीट तक विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए जाना जाता है। वे आमतौर पर झरनों और नदियों के आसपास पाए जाते हैं। तमांडुआ की जीभ में एंट बैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें खाने को पचाने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया उनके खाने को आसानी से पचा देते हैं। नंबर 8, स्लॉथ। आप जो स्क्रीन पर प्यारा सा जानवर देख रहे हैं, इसको स्लॉथ कहते हैं। इसकी मनमोहक सुंदरता आपका दिल जीत सकती है, लेकिन रुकिए, इतना दिल इन्हें देने से पहले इनके बारे में जान भी लीजिए। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एनिमल्स में स्लॉथ सबसे नोबेल क्रिएचर माना जाता है, जो अपनी ग्रेटलनेस के लिए जाना जाता है। यह जानवर देखने में काफी प्यारा लगता है। स्लॉथ की ग्रेटेस्ट स्पीड 0.24 किमी पर आर होती है, लेकिन इनकी यह स्पीड कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये दिन में करीब 20 घंटों तक की नींद लेते हैं। जिसका साफ मतलब यह है कि स्लॉथ भालू की तरह एक आलसी जानवर है। आमतौर पर देखा जाए तो स्लॉथ साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगल्स में रहना पसंद करते हैं। इनका फेवरेट खाना लीफ्स, ट्विंस और बर्ड्स को माना जाता है। हालांकि चाइल्ड स्लॉथ को क्या खाना है क्या नहीं, इसका पता वह अपनी माँ के लिप्स को चाट कर पता लगाता है। माँ के लिप्स से उसे जिस चीज का स्वाद आता है वो उसी को आगे खाना पसंद करता है। इनके बारे में कमाल की बात यह भी है कि काफी अच्छे स्विमर्स भी माने जाते हैं, जो कभी कभार भोजन की तलाश में पेड़ से नदियों में छलांग लगा देते हैं। नंबर 7, पेकारी। आप इस अजीब से जानवर को देखकर शायद समझ नहीं पाए होंगे कि आखिरकार इसको किस नाम से बुलाया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। इसे पेकारी या भाला भी कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला यह एक सुअर जैसा स्तनधारी है। पेकारी की 3 अलग अलग प्रजातियाँ हैं। हालांकि वे जंगली सुअर के समान दिखते हैं, और इनके शरीर की बात की जाए तो इसमें छोटे पैर, छोटी गर्दन और एक बड़ा सिर होता है। पेकारी के बाल काले मोटे होते हैं। इनका आकार प्रजातियों के आधार पर कुछ भिन्न होता है। इनके पास नुकीले भाले जैसे दांत होते हैं, जिससे उन्हें भाला नाम से पुकारा जाता है। उनके कुत्ते के जैसे दांत आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उनके जबड़े स्थिर हो जाते हैं। इससे उनकी काटने की शक्ति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, जिससे वे कठोर गोले को भी तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं।
पेकारी की छोटी आंखों के कारण उनकी दृष्टि तो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके सूंघने की क्षमता बहुत लाजवाब होती है। नंबर 6, स्पेक्टेकल्ड बियर या चश्माधारी भालू। आपको इस भालू का नाम सुनकर शायद ऐसा लगा हो जैसे ये भालू चश्मा लगाता हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बताता हूँ इसका इनाम क्यों पड़ा। पहली नजर में जब आप इसे देखेंगे तो आपको शायद यही लगेगा कि इसने कोई चश्मा पहन रखा हो, और इसे देखकर आपको मोगली के भालू मित्र की याद आ सकती है। आपको बता दें इसको स्पेक्टेकल्ड बियर या तमांडुआ भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के आदिवासी जनजातियों के लिए लोकप्रिय जानवर है। इन भालू में नर मादाओं से 33% बड़े होते हैं और पुरुषों का वजन 130 से 200 किलोग्राम तक होता है और महिलाओं का वजन 35 से 60 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी चश्मेदार आंखें उन्हें और भी प्यारा बनाती हैं। यह जानवर आमतौर पर एकांत में रहते हैं और रात में खाने की तलाश में निकलते हैं। इनका प्रमुख आहार फल, पत्तियां, छोटे पौधे और अंडे होते हैं। इनकी जीभ में एंट बैक्टीरिया होती है जो उन्हें खाने को पचाने में मदद करती है। नंबर 5, आईलेस वाइपर। पहली नजर में जब आप इस स्नेक को देखेंगे तो आपको शायद किसी आर्टिफिशियल स्नेक टॉय की तरह लग सकता है, लेकिन इनकी सुंदरता पर मत जाना है। ये दिखने में जितना सुंदर है वास्तव में उतना ही खतरनाक है। यह वाइपर झाड़ियों, पत्तियों और पत्तों में छिपकर छिपकलियों, मेंढकों और छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। यह लगभग 32 इंच की लंबाई तक बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से बड़े सांप नहीं होते, लेकिन मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आईलेस वाइपर का जहर होमोटॉक्सिक होता है। इसके काटने से सूजन, दर्द, ऐंठन और यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। सौभाग्य से आईलेस वाइपर आमतौर पर इंसानों को नहीं काटते जब तक कि वे खुद का बचाव ना करें। आईलेस वाइपर को पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे चमकीले पीले से लेकर हरे, लाल, फिरोजा और भूरे रंग तक के रंगों में आते हैं। वे अपना अधिक समय जमीन के ऊपर पेड़ों और झाड़ियों में बिताते हैं और रात में सबसे अधिक एक्टिव होते हैं। आईलेस वाइपर अधिकतर तभी काटते हैं जब लोग उन पर कदम रखते हैं या जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं। नंबर 4, कैंटरफिश। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ऐसी मछली से मिलाया था जो अपनी बॉडी से 400 वोल्ट का करंट निकालती है, जिसका नाम इलेक्ट्रिक ईल था। वैसे किसी मछली के बॉडी से इलेक्ट्रिक जनरेट होना अपने आप में ही बहुत आश्चर्यजनक बात है, लेकिन कुदरत का करिश्मा है तो है। लेकिन आप कैंटरफिश को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके विकास से जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैंटरफिश एक छोटी सी अद्भुत मछली है जिसे अमेजॉन नदी का बासी कहा जाता है। यह मछली का छोटा आकार लगभग 2 सेंटीमीटर होता है और यह मछली अद्भुत गुप्तचर के लिए प्रसिद्ध है। कैंड्रू एक बहुत अद्भुत विशेषता रखती है। यह अन्य मछलियों के शरीर में अंदर जाकर अपना आवास बनाती है। और इस मछली की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह रात के समय में अनोखे रंगों में चमकती है। तो रात को जब यह समुद्र में तैर रही होती है तो यह बहुत ही आकर्षक लगती है। नंबर 3, जायंट आर्माडिलो। विशालकाय आर्माडिलो एक दिलचस्प जानवर है। इसकी अनूठी विशेषता है उसकी हॉट सेल बॉडी। विशाल आर्माडिलो आर्माडिलो प्रजातियों में सबसे बड़ा है और इसका आकार 150 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। अगर इनके वजन की बात की जाए तो यह 50 किलोग्राम तक हो सकता है। हालांकि दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में विशाल आर्माडिलोस पाए जाते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। अपने दिलचस्प व्यवहार और कम जनसंख्या घनत्व के कारण यह जानवर बहुत कम ही देखा जाता है। विशाल आर्माडिलो को विलुप्त होने का खतरा है। विशाल आर्माडिलो के दांत किसी भी अन्य भूमि स्तनपायी की तुलना में अधिक होते हैं और इसके 80 से 100 तक दांत होते हैं। छोटे आर्माडिलो की तुलना में विशाल आर्माडिलो में यह बात अलग होती है कि यह विशाल आर्माडिलो खुद को एक सुरक्षात्मक गेंद में पूरी तरह से रोल नहीं कर सकता, लेकिन छोटे आर्माडिलो को जैसे ही खतरे का आवास होता है वह खुद को एक बॉल में बदल लेता है। दोस्तों, इस अजीब से जानवर के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, पैराबेसल। अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपने सांप और नेमले की लड़ाई तो कभी ना कभी जरूर देखी होगी, और आपने देखा होगा कि कैसे एक छोटा सा नेमला सांप को धूल चटा देता है। वो नेमला एक साधारण नेमला हो सकता है, लेकिन आपके लिए नेमला परिवार के एक खास नेमला टायरा से। टायरा नेमला परिवार का हिस्सा है और वे मेक्सिको से लेकर उत्तरी अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। भले ही वे जंगलों में रहते हैं, लेकिन टायरा मनुष्यों के पास रह सकते हैं। वे मध्यम आकार के कुत्तों के आकार के होते हैं, जिसमें नर मादाओं की तुलना में बड़े और थोड़े अधिक शक्तिशाली होते हैं। टायरा का शरीर लंबा और पतला होता है, जिसमें छोटे गहरे भूरे से काले रंग के फर होते हैं। उनके सिर मजबूत और हल्के होते हैं। उनकी छाती पर पीला धब्बा होता है। टायरा सर्वाहारी जानवर हैं और वे छोटे स्तनधारी जैसे कि कांटेदार चूहे को खाना पसंद करते हैं। वे शहद के लिए पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं।
नंबर 1 पिग्मी मार्मोसेट। पिग्मी मार्मोसेट को दुनिया का सबसे छोटा बंदर कहा जाता है। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो यह 5.1 इंच के होते हैं और इनका वजन 99 ग्राम तक होता है। यही कारण है कि पिग्मी मार्मोसेट को दुनिया का सबसे छोटा बंदर माना जाता है। यह इतने छोटे होते हैं कि आप अपने एक हाथ में 4 से 5 बंदर आसानी से ले सकते हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि ये बड़ी आसानी से आपकी उंगली पर बैठ सकते हैं। अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला यह छोटा बंदर अपने ही जीनस सेबुएला से बिलोंग करता है। इस मार्मोसेट की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं और वे देखने में लगभग समान ही होते हैं। इस बंदर का घना भूरा फर, सुनहरा ग्रे, नारंगी, पीला और काले रंग का मिश्रण होता है। इसकी पूंछ इसके शरीर से लंबी होती है जो कि चक्राकार होती है। पिग्मी मार्मोसेट की एक खास बात और भी है। पिग्मी बंदर अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा सकता है और यह 16 फीट तक छलांग भी लगा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।